हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो कि ये स्टूडेंट सही है या गलत है। नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि रियल नंबर जो होता है उसमें इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों ही आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, बिकॉज वी नो डैट, हम सब जानते हैं, ऑन अ लंबर लाइन वी कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर। बिल्कुल वी कैन नॉट गेट अ नेगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। बिल्कुल वी कंक्लूड दैट नॉट एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए, -5 इज अ रियल नंबर, बट इट इज नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर लाइन पर, किसी भी नंबर लाइन पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट गेट अ नेगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। लेकिन जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कभी भी हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलता है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट नॉट एवरी नंबर ऑन अ नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम।
इसीलिए हमने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नंबर जो कि रूट एम की फॉर्म में होगा वो क्या नहीं होगा, वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं -5 एक रियल नंबर है, लेकिन हम कब लेकिन बट इट इज नॉट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, लेकिन वह किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थर्ड एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि सभी जो है रियल नंबर हुए हैं वो क्या इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमने पहले ही देखा है कि जो है रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को कैरी करता है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। तो हम लिखते हैं वी, इसकी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी जी, इसकी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। वी नो डैट रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि 3 इज अ रियल नंबर। 3 क्या है, 3 एक रियल नंबर है। बट 3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर बिकॉज इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑफ पी क्यू वेयर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3 क्या है, 3 एक रियल नंबर है, बट हम कभी भी इस नंबर को इरेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर जो होता है वो पी क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। सही है, पी क्यू की फॉर्म में इरेशनल नंबर नहीं होता, सिर्फ रेशनल नंबर ही पी क्यू की फॉर्म में होते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, ऑफ इट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज अ रेशनल नंबर।
क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का इनिशियल होता है? इफ नोट, अगर नहीं तो एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझाइए। आंसर है, इसका सोल्यूशन होगा नो। इसका सोल्यूशन क्या होगा? नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ओके, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो डैट रूट 9 इज 3। रूट 9 क्या है? 3 है, आ रेशनल नंबर। बट रूट 5, रूट 7, रूट 10 विल गिव एन इरेशनल नंबर। अब ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, नहीं, द स्क्वायर रूट ऑफ आर पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। जो स्क्वायर रूट होता है, जो 3 पॉजिटिव नंबर का है, वो कभी भी सारे का इरेशनल नहीं होता है। जैसे हमने रूट 9 लिया, तो रूट 9 का रूट क्या है? उसका रूट क्या आगा? 3 है, जो कि एक रेशनल नंबर है। बट रूट 5, रूट 7 और रूट 10 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। इरेशनल नंबर मीन्स नंबर या तो पॉइंट्स में होगा, पीक्यू की फॉर्म में नहीं होगा। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो है इसका कि सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता है। हर एक का इरेशनल नंबर नहीं होता, और हर एक का क्या होता है? रियल नंबर भी नहीं होगा, और हर एक का इरेशनल नंबर भी नहीं होगा, और हर एक का रियल नंबर भी नहीं होगा। समझो, दोबारा बताता हूँ कि इसलिए हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो रेशनल नंबर